जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फोर्सनेट और इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी पीसी में डिस्प्ले इशू आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये मॉनिटर और सीपीयू है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। मेरा सीपीयू तो ऑन हो चुका है लेकिन नो इनपुट सिग्नल दिखा रहा है। आप देख सकते हैं नो इनपुट सिग्नल दिखा रहा है। तो इस केस में मेरे पास फिजिकली जो कनेक्शन है वही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें वीजीए केबल लगा हुआ है और इसमें भी वीजीए केबल लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये नो सिग्नल दिखा रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप अपने सीपीयू को कैबिनेट को खोल दें। देखिए ये खुला हुआ है और इसको आप बंद कर लें अपने सीपीयू को। फिर जो सबसे पहला इशू आता है वो रैम का इशू आता है। मैंने इसके रैम को खोल लिया। इस रैम को आप अच्छे से किसी कपड़े से साफ कर लें। मैंने इसको साफ कर लिया। इसके अलावा आपके कंप्यूटर में मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड लगा है या कम्युनिकेशन पोर्ट लगा है, उसको आप रिमूव कर लें। जैसे इसमें कम्युनिकेशन पोर्ट लगा है, मैं इसको रिमूव कर लिया, इसको हटा लिए। कुछ भी मैंने नहीं लगा, सिर्फ सिंपल वीजीए केबल है और बाकी जो मदरबोर्ड में इनबिल्ट कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए फिर से मैं शुरू करता हूँ रैम लगा के। रैम को लगाते समय इसके स्लॉट पे ध्यान दें, नहीं तो अगर गलत स्लॉट लगने से ये टूट सकता है। लगाने के बाद ये किट का आ जाएगा, मीन्स ये सही तरीके से लग चुका है। मेरा रैम लग गया। अब मैं फिर से इसको ऑन करूंगा। ये नहीं लगा, ये सीपीयू ऑन हो चुका है। ये ऑन है लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अगर इतना करने के बावजूद भी डिस्प्ले नहीं आए तो आपकी प्रोसेसर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रोसेसर को साफ कर लें। तो देखिए मैं कैसे इसको साफ करता हूँ। प्रोसेसर पे लगे फैन को आप आराम से खोल लें। मैंने ये फैन को खोल लिया। आप देख सकते हैं कि इसमें काफी धूल गंदगी लगी हुई है और ये जो प्रोसेसर इस पे भी आप देख सकते हैं धूल गंदगी लगी हुई है। तो इसको आप निकाल कर और साफ कर लें। लेकिन इसको ध्यान रहे कि इसमें काफी छोटे छोटे पिन होते हैं जो थोड़ी सी भी लगने से टूट सकते हैं, इसलिए इसको काफी ध्यान से निकालें। ये है प्रोसेसर के छोटे छोटे पिन जो जो इस सारे एरिया के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो इस पे कोई भी ऐसा चीज पेचकस या कुछ भी उंगली ना रखें, नहीं तो ये मुड़ जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। इसके बाद आप इसको साफ कपड़े से इसको हल्का हल्का साफ कर लें और जो उस एरिया में हो प्रोसेसर के एरिया में वहाँ आप फूंक मार दें। इसके बाद जो साइड वाले एरिया है प्रोसेसर को, उसमें से धूल गंदगी को साफ कर लें। फिर इसके बाद जो इसमें कट्स दिख रहे हैं उसी कट्स में तो मैंने साफ कर लिया है अपने प्रोसेसर को और इसके प्रोसेसर के जो जैक हैं। इसके बाद आप प्रोसेसर को इसके कट्स के हिसाब से बिठाएं। यहाँ थोड़ा काफी ध्यान से बिठाएं, नहीं तो अगर गलत बैठेगा तो ये टूट सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल अपने सही कट्स में बैठा है। आप इसको बंद कर दें। ये बंद होने के बाद आप इसको चेक कर लें कि क्या डिस्प्ले की जो इशू थी वो सॉल्व हो गई कि नहीं। इस दरमियान आप ये भी कर सकते हैं जो इसके सीमोस बैटरी है उसको कुछ समय के लिए बाहर निकाल दें। तो इसको निकालने के लिए आप अपने स्क्रू ड्राइवर या पेन से भी इसको निकाल सकते हैं। निकल चुका है, ये है इसके सीमोस बैटरी। इसको कुछ देर के लिए बाहर रख दें। अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ। इसमें उसी कट्स में बिठा देते हैं। बिठाने के बाद फिर फैन लगा दें। उसके बाद जो आपने सीमोस बैटरी खोला है उस सीमोस बैटरी को अपने जगह पर लगा दें। फिर जो मैंने कॉम पोर्ट को खोला था उसको भी लगा दिया। अब मैं इसको ऑन करूँगा। मैंने इसको ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले की जो इशू थी
वो तकरीबन सॉल्व हो चुकी है। ये मदरबोर्ड की जो इसमें चैम्पियन मदरबोर्ड लगा है, इसलिए इसका मदरबोर्ड का सिंबल आ गया। तो मैक्सिमम जो केसेस आती है डिस्प्ले इशूज़ में, उसमें रैम प्रॉब्लम होता है, इसके अलावा थोड़ी सी प्रोसेसर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप प्रोसेसर और रैम और जो भी आपके एक्सटर्नल पेरिफेरल लगे हैं उसको निकाल के एक बार स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से जो भी डिस्प्ले की समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। स्पेशली रैम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है डिस्प्ले में, और इसके अलावा जो इसका VGA पोर्ट होता है उसको भी एक बार अच्छे से चेक कर लें कि वो सही लगा है कि नहीं। ये सही लगा है और